મહિલાઓના માસિકની સમસ્યાઓને લઈને હવે વધુ ખુલીને ચર્ચા થવા લાગી છે અને આ જાગૃતિને કારણે સારી અસર એ પણ જોવા મળી રહી છે કે લોકો આ સમસ્યાને વધુ સારી રીતે જાણે છે। સુરતની ખાનગી કંપનીએ તેમની મહિલા કર્મચારીઓને પીરિયડ સમસ્યાનું સુંદર નિરાકરણ શોધ્યું છે, જે મુજબ મહિલા કર્મચારીઓને વર્ષમાં 12 પેઈડ રજાની પોલિસી અમલી બનાવાઈ છે, જેથી પીરિયડ દરમિયાન મહિલા કર્મચારી પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખતા ચાલુ પગારે રજા લઈ શકશે। इसके मुताबिक कोई भी महिला कर्मचारी जो हमारे यहाँ पर काम करती है पूरे साल के अंदर 12 छुट्टियाँ ले सकती है और उसके लिए कंपनी उनको पे भी करेगा। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत ही क्लियर था। हम ये मानते हैं कि जो फीमेल की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है खास करके पीरियड के टाइम पर, उसको हर कंपनी को समझना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ सोची थी कि हम इस तरीके से लीव का प्रावधान रखते हैं। अगर उनको आधे दिन लीव चाहिए तो वो ले सकते हैं आधे दिन की छुट्टी, अगर उनको घर से काम करना वर्क फ्रॉम होम तो वो भी कर सकते हैं। तो मासिक दरमियान કેટલીક મહિલાઓને અસહ્ય દુખાવાથી લઈને અનેક પ્રકારની તકલીફો થતી હોય છે। આવી સ્થિતિમાં કામ કરવાની ક્ષમતા પર અસર પડે છે। પીરિયડ દરમિયાન માનસિક સ્થિતિ પર પણ અસર થતી હોય છે, જેથી મોટા ભાગે આ સમય દરમિયાન આરામને વધુ મહત્વ અપાય છે। ખાનગી કંપનીએ લીધેલા આ પીરિયડ પોલિસીને મહિલા કર્મચારીઓએ વખાણી છે। अब इस तरह से हो रहा है कि पहले जब हमें तकलीफें होती थी उन दिनों में, पीरियड्स के दिनों में जब हमें तकलीफें होती थी, तब शायद हम बोल नहीं पाते थे कि आज हम थोड़ा हमें प्रॉब्लम आ रहा है या हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, पर अब हम वो बोल पाएंगे और वो बोल के हम अपना बेस्ट भी दे पाएंगे आराम करके। हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं चीज़ों को लेके, काम में इतना मन नहीं लगता है, क्रैम्प्स होते हैं, बैठने का ज़्यादा देर मन नहीं होता, फिर भी हम काम करते हैं, काम तो करते हैं बट इतनी प्रोडक्टिविटी के साथ उस वक्त नहीं करते। बट ये लीव आने से, या फिर हम इसमें भी ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं हमें ये प्रॉब्लम है, हमें आज काम नहीं करना है, बट ये लीव आने से हम फ्रीडम फील करते हैं कि हम जाके बोल सकते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, हमें आज लीव चाहिए, या फिर हम थोड़ा